गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लू व्लॉग। आज हमारी ट्यूबलाइट खराब हो गई थी तो नहीं लग रही है, और ये पापा कर रहे हैं, वो भी फर्स्ट टाइम कोई बिजली का काम कर रहे हैं। अब वो देखो ये सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। वरना बिजली वाला आता है, पैसे लेके जाता है। हाँ, इतने सारे काम कर बेटा, देख अपने करके करने चाहिए। आपके कूलर के पैड भी यही लगाएंगे। ज्यादा हिसाब भैया, इतना ही मेरा इस्तेमाल करो जितना कि ठीक लगे। नहीं है, और क्या, आप तो कौन सा पूरे तुम गली की हमने बोल दी है। देखा था नाटक में जेठालाली बोल लग गया था। और सुन एक बात और सुन बेटा, 2021 मुझे देख के ले जा रहे हैं कि ये 2021 में है, और अभी 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने पड़े हैं अभी, इसकी गारंटी में है, सुन रही है तो। हाँ हाँ, 2021 अभी तो बहुत टाइम है, 3 महीना अभी, ये नहीं पता कि 2022 भी खत्म होने वाला, मार्च में खत्म हो गई है। मुझसे कह रहे 3 महीने ऐसे, अच्छा पहले जल्दी करवा देता हूँ, और ये भूल गए कि 2022 खत्म होने वाला है, ये मार्च में खत्म हो साल है अभी तो। हाँ, पापा को ये अभी 2021 लगा, ये 21 ही लग रहा था, तो 22 भी खत्म, अब तो 23 आएगी, कुछ ही दिन बाकी है, महीना भी नहीं कह सकते। हाँ, दो मतलब पूरे 2 साल होने वाले थे। हाँ, सुनो आराम से, तार कोई जेठा लाली नहीं बनना है। वो गोली कहता है जेठा अंकल मस्ती नहीं, और जहाँ ये सफेदी का निशान है। हाँ, फोन वाली टेप दूँ। तो भैया पापा ने सक्सेसफुल हो गए हैं ट्यूबलाइट लगाने में, अब बिजली का काम पकड़ना शुरू कर दो। अच्छा, बिल्कुल बिजली का काम पकड़ना शुरू कर दो। मम्मी, ट्यूबलाइट अपने घर की लगती है, नहीं तो जेठालाल वाला हिसाब हो जाता है। हाँ। अपने घर की ठीक करने करता है वो, किसी को भी तजी की नहीं करता। और ये देखो आज आया है आम का अचार, सर्दियाँ शुरू तो अचार भी आ गया, और अभी मम्मी दे रही है खाना, दाल चावल, ये तो कन्हैया का है, बाकी आप हमें दो, आज तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो नहाने चली गई, ट्यूबलाइट लगाने लगे हैं, तो ये टाइम हो गया। 3:40 हो रहे हैं। कौन सा? हाँ, 4:15 हो रहे हैं। तो यहाँ साफ हो रहे हैं पंखे, और धुल चुके हैं सारे कपड़े, और टाइम क्या आ रहा है मम्मी? मोबाइल है बेटा तेरे हाथ में? 9:17 हो रहा है। पोछा भी लग गया है, बस नहाने की तैयारी है। आप जाओगी नहाने, मैं तो अभी उठी हूँ। उतरो, चूल पे खड़ी नहीं, और जो पहनना है मुझे वो रख रही हूँ, और जो नहीं पहनूंगी अब वो रख रही हूँ, सारे अलग अलग अलग, क्योंकि बहुत भर गई अलमारी, अब नए कपड़े की जगह आएगी। जो लेकर आई हूँ वो बेचारे बाहर ही रखे हुए हैं, वो बाहर थैलों में रखे हैं, वो बाहर थैला भर के रखे हुए हैं, तो भाई उसके लिए भी तो जगह होनी चाहिए, कहाँ रखती। देखिए ये सारे ना, ये अरे देखा रखा मैंने, अभी तो ठंड के आए हैं, ठंड के हैं बेटा, जो हाँ जो बिल्कुल नहीं पहनती ना उनको बिल्कुल हटा दे, अलमारी देखो वो, बेड देखो वो, सारे सारे निकाल रही, सारे के करके ना अलग में उसमें निकाल के रखती रहे। ठीक है, चल ठीक है, जब सेट कर लूंगी तब मिलूंगी। ठीक है, चल अच्छे से अलग अलग साइड में कर दे। ठीक है, और अभी मैं लेके आई हूँ नीचे से पार्सल, क्योंकि आज आया है ये, तो टॉवल्स निकलेंगे इसमें, हैंड टॉवल्स। मम्मी खोल के देख रहे हैं, वो दुल्हन में दे दिया, तो मम्मी यही वाले इसमें दिखाए भी यही थे, सानू मौसी के कॉर्ड हम जैसे, सेम यही है सानू मौसी के भी, इसी टाइप के। नहीं नहीं नहीं, मतलब रुमाल की तरह, रुमाल नहीं चाहिए ना मुझे, कॉर्ड पर जब मैं देख के बोल रही थी मम्मी सेम यही होगा, इस पे कोई, इस पे क्या लिखा था पढ़ के सुनाइए, ये चाहिए नहीं मुझे, इसमें हाथ एक बार में गीला हो जाएगा, कोई 3 थो ना टांगने पड़ेंगे, एक सब 4 दिए हैं उसने। मम्मी आप भी ना, नहीं वापस करना, हमेशा गलत ही चीज मंगाती हो। मैंने कॉटन देख के दिखाया, कॉटन नहीं था ये, मैंने साफ कह रही थी,
ये सानू मौसी की कैंपस में है ना वो कॉटन है, तोलिया है, वो तोलिया टाइप में है। हाँ, वो तोलिया टाइप के है। हाँ, मुझे ये नहीं मंगाने, ये इसमें हाथ धोना होगा बेटा ये तो एक बार। लेकिन वो वाले तोलिया टाइप के है जो कार्टून वाला नहीं चलता नहीं बच्चों का। ये क्यों नहीं चाहिए, इतने सुंदर सुंदर हर चीज नहीं होता, यूज भी तो होना चाहिए। तब यूज करो, धो, यूज करो, धो धो, यूज यूज धो। इसकी वो करवा दे। अभी आपने ऐसी बेडशीट भी चेंज कराई है। बेडशीट आई थी बेड पे, उसमें छेद आए ना। हाँ, अब ये सही निकले तो अभी से भी चेंज करा रही हूँ। मुझे कॉटन में चाहिए, उसमें चाहिए टॉवल वाला कपड़ा, ये नहीं चाहिए मुझे। मैं इसका तो मैं तेरे को तौलिया ला के दूंगी इसमें की ना के पोछ लिया करिए। नो, वो मुझे नहीं पसंद, अलग ही हो मम्मी। अब बैंक में तेरे डलवा रही हूँ पैसे, फिर क्या होगी निकाल के ला। और जब रिटर्न बैंक में जा रहा है। ये देखो गाइस, ये सारे हमारे कपड़े जितने भी पुराने थे जो हमें लग रहा था कि अब नहीं पहनेंगे, बहुत पहन चुके हैं, तो वो सारे इस एक एक पोटले में सब है। ये देखो ये वाला कितना बड़ा बैग है, ये बैग है और ये एक पोटला है, ये एक पोटला है और बाकी ये तो काम का है। बस आप नीचे नीचे का देखो, तो बस ये तीनों हैं जो हमारी वेस्ट इस कपड़े निकले हैं। और जबकि अभी मम्मी की रहती है, हमने सारा बेड वेड का सब कुछ खाली कर दिया। मुझे लगा था सिर्फ मैं बस अपनी ये जो अलमारी है बस ये ठीक करूँगी और कुछ नहीं करूँगी, लेकिन मम्मी ने सब कुछ निकाला तो मम्मी ने इतना थक गई, मतलब इतने सारे पोटले करके पूरा तय करके अलग करके। और हाँ, एक और चीज़ है, ये जो टप है ना ये भी पूरा कपड़ों से भरा हुआ है, ये और वो तीन। अब देखो क्या निकलते हैं इसमें, सर्दी गर्मी दोनों के कपड़े हैं। आज मैं इतना थक गई, ऐसा लग रहा है जैसे शिफ्ट नहीं करते हैं घर को, इतनी थकावट हो गई मेरे को। खाना वाना बनाने का मन नहीं हुआ तो इसने पापा से मंगा लिया अपना बाहर का खाना, जो भी ये खाएगी अब मैं भी खाऊंगी, बस फिर कल से लगेंगे काम पे अपना। और ये तो अच्छा है कि कल की सृष्टि की छुट्टी है और छुट्टी नहीं होती, तो बस मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बुखार चढ़ेगा, मेरा इतना दर्द हो रहा है सृष्टि, बस पूछे मत। बस अब आप रेस्ट करो। अब तो खैर कोई काम नहीं है, आराम है। और पापा घर जा चुके हैं काम पे, बस इसलिए हमने अपना बढ़िया सा मंगा लिया है। दिखाती हूँ क्या क्या है। ये है आ गए हमारे चिल्ली पटेटो, और ये है रोल, स्प्रिंग रोल, और ये है मोमोस। तो वही मेरे फेवरेट चीज आ चुकी है। सो गाइज, मम्मी सॉरी हैं और पापा भी अभी आए हैं, मैं भी बस फ़ोन चला रही थी तो अभी काम पे गए थे, तो लेके आए हैं गाजर का हलवा छुट्टी, क्योंकि बस एक घंटे के लिए जाना था, फिर पापा का गाने का प्रोग्राम था। तो मम्मी तो सो रही है और मैं और पापा खाएंगे। बाबा शाम को एक घंटे भजन करा मैंने, एक घंटे भजन के बाद फिर लाली के लिए हलवा लेके आ गाजर का। चुपचाप बोल ले, मम्मी जग जाएगी तो प्लेस हो जाएगी। काल रा स्वीट। तो भैया ठंड आ गई है, गाजर हलवा आ चुका है, फुल्ली 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 स्टार्ट। एंड भी करती हूँ इस व्लॉग का, तो अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मेरे उसी पे ही हर व्लॉग के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलेंगे कल न्यू व्लॉग के साथ।